राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ निर्जला एकादशी की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। निर्जला एकादशी जो साल की सबसे बड़ी और कठिन एकादशी मानी गई है, अगर आप पूरे साल की एकादशियों का व्रत नहीं भी रहते हैं और सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर लेते हैं तो आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से फर्श को साफ कर लेंगे और स्वास्तिक बना रही हूँ यहाँ आटे से मैं। ये पूजन आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी। अगर चौकी लगाकर पूजन कर रहे हैं तो चौक जरूर पूर लें। आप चाहे छोटा सा ही कोई स्वास्तिक ओम, कोई भी मंगल शुभ चिन्ह बना लें। इसके बाद ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ा सी हल्दी डाल देंगे क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में हल्दी का भी अलग ही महत्व होता है। और इस तरह से फिर हम चौकी लगा लेंगे। आप चौकी की जगह पटा का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये देखिए, इस तरह से पीला कपड़ा बिछा लेंगे हम। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की युगल फोटो मैंने यहाँ विराजित कर ली है, गणपति जी को भी विराजित कर लिया है। फिर इस तरह से देखिए, हम कलश स्थापना करेंगे तो कलश में स्वास्तिक बना लें, सारी सामग्री डाल लें। और इस तरह से आम के पत्तों को भी टीक लिया है मैंने। इस तरह से फिर कलश में आम के पत्ते लगा लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से भरा हुआ, गेहूं से भरा हुआ पात्र रख रही हूं मैं। आज चावलों का यूज़ नहीं करेंगे हम एकादशी के व्रत में। फिर इस तरह से देखिए, तिल रखकर, तिलों का आसन देकर हम कलश को स्थापित कर लेंगे। इसके बाद ये गेहूं से भरे पात्र पर मैं दीपक स्थापित कर रही हूँ, दीप कलश स्थापित कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो दीपक का भी पूजन कर लेंगे। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और इसके बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जो विष्णु भगवान के ही स्वरूप हैं, आपके पास विष्णु भगवान के जिस भी स्वरूप का विग्रह हो आप उनका पूजन करें आज। इसके लिए सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को स्वच्छ जल से स्नान कराएंगे और फिर इस तरह से अष्टगंध पीले चंदन से उनकी मालिश कर रही हूँ मैं। गर्मियों में आप लड्डू गोपाल की कभी कभार चंदन से मालिश जरूर करें। फिर इस तरह से ये देखिए, चंदन की मालिश के बाद हम उन्हें वापस स्वच्छ जल से स्नान कराएंगे और फिर इसके बाद मैं उन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराऊंगी। पंचामृत तो आप सभी जानते ही होंगे, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन चीज़ों से मिलकर बनता है। कुछ विशेष तिथियों में जैसे एकादशी है या पूर्णिमा है, इन तिथियों में आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से भी जरूर स्नान कराएं, बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। फिर इसके बाद ये देखिए, पंचामृत के बाद हम उन्हें वापस स्वच्छ जल से स्नान कराएंगे और फिर इसके बाद उनका अंग पोषण कर लेंगे किसी साफ कपड़े से। और इस तरह से फिर अंग पोषण करने के बाद मैं उनकी इत्र से मालिश करूंगी। इत्र की मालिश भी मैं कभी कभार कर देती हूँ विशेष तिथियों पर। तो इस तरह से इत्र की मालिश करने के बाद उन्हें हम इस तरह से उनका श्रृंगार कर लेंगे वस्त्र वगैरह पहनाकर। और इस तरह से उनके शीश पर, माथे पर मैं चंदन का लेप लगा रही हूँ और ठंडक प्रदान करता है चंदन का लेप। फिर इस तरह से फूलों का आसन देकर मैं उन्हें विराजित कर रही हूँ। इसके बाद उनकी प्रिय गौ माता को भी मैंने यहाँ विराजित किया हुआ है। और इसके बाद गणपति जी को और विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को, सभी को जल का छींटा देंगे हम और सभी का चंदन रोली से हम इस तरह से टीका कर लेंगे। साथ साथ हम कलश का भी पूजन कर लेंगे और सभी को तेल समर्पित कर देंगे। निर्जला एकादशी का व्रत पांडुपुत्र भीम द्वारा रखा गया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसके बाद गणपति जी को हम जनेऊ और वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगाकर समर्पित कर देंगे। फिर इस तरह से ये देखिए, भगवान विष्णु को भी हम जनेऊ और वस्त्र का भाव करते हुए कलावा इत्र लगाकर समर्पित कर देंगे। फिर ये देखिए, इस तरह से मेरे पास ये पीले फूलों की माला है तो मैं वो चढ़ा रही हूँ। आप पीले रंग के फूल आपको मिल जाते हैं भगवान विष्णु के पूजन में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जिस रंग के आपको फूल मिले आप वो भी चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, फिर कलश देव पर भी इस तरह से माला समर्पित कर देंगे और भगवान गणेश को लाल फूल, माता लक्ष्मी को लाल फूल और लड्डू गोपाल को पीले फूल इस तरह से मैं चढ़ा रही हूँ। और ये देखिए, तुलसी दल समर्पित कर देंगे भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को। मंजरी वाला यहाँ तुलसी दल लिया है मैंने, आपको वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से फिर देखिए, तुलसी पूजन कर लेंगे हम। एकादशी के दिन तुलसी को छूना और तोड़ना वर्जित होता है, इसीलिए इस तरह से दूर से आप पूजन कर लें, उसमें कोई मनाही नहीं होती है। और फिर इस तरह से देखिए, फूल समर्पित कर देंगे तुलसी माता को और इस तरह से वस्त्र का भाव करते हुए हम कलावा समर्पित कर रहे हैं तुलसी माता को। और इसके बाद ये देखिए, तुलसी माता को हमने बताशे का भोग रखा है, आप जड़ में ना रखें कोई भी मीठा, चींटियां लग जाती हैं फिर खराब हो सकती हैं आपकी तुलसी। इसके बाद ये देखिए, अब हम एकादशी की कथा पुस्तिका का भी पूजन कर लेंगे और माता लक्ष्मी को थोड़ी सी श्रृंगार सामग्री समर्पित कर देंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि निर्जला एकादशी में हम क्या क्या दान कर सकते हैं। इस तरह से खजूर और बांस की पंखी आती हैं, आप वो दान कर सकते हैं, मटकी छोटी बड़ी जैसी आपकी इच्छा हो। और उसके ऊपर इस तरह से चीनी
और सीजनल फ्रूट्स रख लें और दक्षिणा रख लें थोड़ी, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी दान नहीं लगता है। फिर इस तरह से ये देखिए, अब हम गणपति जी को अलग से बिना तुलसी दल का भोग रख रहे हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को मौसमी फलों का और शरबत का भोग लगा रही हूँ मैं। दान के लिए जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई उनके अलावा आप छतरी, चप्पल, जूते, कपड़े, वाटर बॉटल्स ये चीज़ें भी दान कर सकते हैं। आप मिट्टी की मटकी देना चाहें वो दे सकते हैं, उसकी जगह पर आप लोटा, जग, उनमें शरबत भरकर मीठा ठंडा, तो वो दान भी कर सकते हैं। फिर ये देखिए, भगवान विष्णु की भोग सामग्री में हम सभी में तुलसी दल डाल देंगे और इस तरह से हाथ में तिल और पुष्प लेकर हम कथा पढ़ लेंगे एकादशी महात्म की। निर्जला एकादशी महात्म पढ़ना है हमें आज के दिन। कथा संपन्न होने के बाद ये तिल और पुष्प इस तरह से हम भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ देंगे और सभी की प्रेम पूर्वक धूप दीप से आरती उतार लेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति की, कलश देव की, सभी की आरती उतार लेंगे और इसके बाद थोड़ी दक्षिणा समर्पित कर देंगे, क्योंकि दक्षिणा से जो है हमारी पूजा में हुई भूल चूक वो पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद जल की 3 बार फेरी देते हुए संपूर्ण पूजा का आचमन कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। इस दिन आपको जो भी दान सामग्री देनी है, दान करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को ही दान करें, किसी जरूरतमंद को भी उसे दान कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।